ऐसा सिर्फ आपको लग रहा है कि आप ऑनलाइन लेक्चर्स देख रहे हो बट आप एक्चुअल में सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हो। प्रोक्रेस्टिनेशन कैसे खत्म की जाए वो मैं आज आपको, लेक्चर देते टाइम नींद आना बहुत कॉमन है बट इस नींद को हम कैसे कंट्रोल में लाए, मन भटक रहा है आपका लेक्चर देखते टाइम पे। सो गाइस, क्या आप अपने पढ़ाई की तैयारी करने के लिए ऑनलाइन लेक्चर्स देखते हो बट लेक्चर्स देखते देखते आपको बहुत नींद आ जाती है, आप बहुत थक जाते हो, आप बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, आपका फोकस ही नहीं लग पाता? तो इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि ऑनलाइन लेक्चर्स देखते टाइम आप अपनी प्रोडक्टिविटी कैसे आसानी से 100% कर सकते हैं और अपना डिस्ट्रैक्शन 0%। सो यस फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज नेहा पटेल एंड आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि ऑनलाइन लेक्चर्स देखते टाइम आपको क्या क्या चीजें करनी है और क्या क्या चीजें नहीं करनी जिससे आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से होगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो गाइस, सबसे पहले तो क्वेश्चन ये उठता है कि हम लाइव लेक्चर्स ऑप्ट करें कि रिकॉर्डेड। अगर आप मेरी मानो तो हमेशा लाइव लेक्चर्स ही देखना चाहिए क्योंकि जब हम लाइव लेक्चर्स देखते हैं उससे ना हमारा प्रोक्रेस्टिनेशन कम होता है। जब हम रिकॉर्डेड देखते तो हमारा इतना फोकस नहीं होता क्योंकि रिकॉर्डिंग में हमें पता होता है कि ये तो हम कभी भी दोबारा देख सकते हैं, हम दोबारा प्ले करके इसको देख लेंगे। तो रिकॉर्डिंग में उतना फोकस नहीं होता जितना लाइव में होता है। लाइव में आपके पास एक बना बनाया स्केड्यूल प्लान होता है तो हमेशा लाइव लेक्चर्स देखना चाहिए, उससे प्रोक्रेस्टिनेशन कम होता है। सेकंड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम जो बच्चे फेस करते हैं वो है कि लेक्चर्स देखते देखते हमें नींद आ जाती है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए मैं आपको बता दूं, एकदम बेस्ट सोल्यूशन देती हूँ। जैसे आपका लेक्चर स्टार्ट होता है ना उसके पहले ही एक पावर नैप ले लो या उसके पहले एक अच्छी सी नींद ले लो, ठीक है, उसके बाद लेक्चर में जाओ तो आप एकदम फ्रेश होकर लेक्चर अटेंड करोगे और नींद आने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। बट फिर भी अगर आपको नींद आ रही है तो मुंह धो लिया करो या तो चाय या कॉफी आती है वो पी लिया करो, उससे भी आपकी नींद कहीं हद तक कम हो जाएगी। बट द बेस्ट वे टू अवॉइड स्लीपीनेस ड्यूरिंग योर लेक्चर इज कि आप लेक्चर के पहले ही थोड़ा सा नींद करके जाओ। थर्ड प्रॉब्लम आती है कि माइंड बार बार भटक जाता है लेक्चर्स देखते टाइम, हमारा फोकस हट जाता है, ऐसे में क्या किया जाए? तो यार ऐसे में क्या करना है, देखो कोई बच्चा अगर ऑफलाइन लेक्चर जा रहा है ना क्लास टू क्लास, ऐसा नहीं कि उसका माइंड नहीं भटकता, उसका भी भटकता होगा बट कम भटकता है क्योंकि उसको पता है सामने टीचर खड़ा है। तो आप जब ऑनलाइन लेक्चर्स देखते हो आपको ये इमेजिन करना है कि एक्चुअल में सामने टीचर खड़ा है। अपने माइंड में ऐसा सिचुएशन बनाओ, अपने माइंड को ऐसा बोलो कि हाँ टीचर सामने सच में खड़ा है, अगर मैं कुछ और करूंगा तो वो मुझे देख रहा है, ठीक है, एक ये सोल्यूशन। और सेकंड है कि अपने जितने भी ऐप नोटिफिकेशंस होते हैं व्हाट्सएप के हो गए, इंस्टाग्राम के हो गए, स्नैपचैट के हो गए, सब म्यूट पे रख दो लेक्चर देखते टाइम पे, सिर्फ इम्पोर्टेंट ऐप नोटिफिकेशंस ही ऑन रखो। और कभी कभी क्या होता है ना लेक्चर देखते देखते हम कमेंट सेक्शन से भी बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो लैंडस्केप मोड पे अपना लेक्चर देखा करो, उससे आपको कमेंट्स भी नहीं दिखेंगे। एंड फोकस ना भटके इसका ये भी एक तरीका है कि आप ऐसे रूम में लेक्चर देखो जहाँ पे कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, जहाँ पे ज्यादा लोग ना हो, आप या तो अकेले हो, और अगर लाइब्रेरी में देख रहे हो कोई ऐसी जगह पे देख रहे हो तो दीवार पे मुंह करते तरफ लेक्चर्स देखो। इससे क्या होगा, आपका व्यू ब्लॉक हो जाएगा, आपको लोग आते जाते हुए नहीं दिखेंगे, सिर्फ आपका ध्यान आपके लेक्चर्स पे होगा। एक रियलिटी मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि आप लोगों को शायद ऐसा लग रहा होगा कि मैं ऑनलाइन लेक्चर्स देख रहा हूँ बट एक्चुअल में आप सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हो। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब आप लाइव लेक्चर्स देख रहे होते आपके माइंड में ये चल रहा होता होगा कि हाँ ठीक है अगर मैं अभी अच्छे से नहीं देख पाया तो इसकी रिकॉर्डिंग तो अवेलेबल है, तो इससे आपका लाइव में भी ध्यान नहीं बैठ रहा, जब रिकॉर्डेड देख रहे हो तो उसमें भी आपका ध्यान नहीं बैठ रहा क्योंकि इसकी तो रिकॉर्डिंग है, मैं देखता रहूंगा। इससे आपका डबल टाइम वेस्ट हो रहा है, पढ़ाई कुछ नहीं हो रही, आपको बस ऐसा लग रहा है कि मैं पढ़ रहा हूँ बट इट इज कम्प्लीट टाइम वेस्ट। तो हमेशा लाइव लेक्चर में ही अपने सारे डाउट्स क्लियर कर लो, कभी ये मत करो कि हाँ मैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स तक अपनी नौबत रहूं, बैकलॉग्स रखो ही मत। एंड अगर लाइव में कुछ मिस भी हो जाता है तो नोट्स प्रोवाइड की हुई आपको, नोट्स से पढ़ने की कोशिश करो, रिकॉर्डेड लेक्चर्स ना ही देखो तो बेहतर है। एक और चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब लेक्चर देखते हो तब क्या क्या रखना चाहिए अपने पास। सबसे पहले तो एक रफ कॉपी रखो जब भी आप लेक्चर देखने बैठो ताकि आप नोट्स बना सको, स्क्रिबल कर सको फटफट की जो आपको सर बोल रहे वो इम्पोर्टेंट आप लिख सको। सेकंड मॉड्यूल, जो भी सब्जेक्ट का लेक्चर देख रहे हो उसकी मॉड्यूल रखनी पड़ेगी आपके पास, तो जो लेक्चर सर पढ़ा रहे हैं जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं वो आप खुद भी मॉड्यूल से थोड़ा बहुत रीड करके रिलेट करो कि क्या हो रहा है। एंड लास्ट, आप अपने क्लासेस के नोट्स भी रखोगे डेफिनेटली, वो तो रखना ही है जब सर आपको पढ़ा रहे। यस फ्रेंड्स, दैट्स इट, आई होप आपका ऑनलाइन लेक्चर देखते टाइम जो भी डाउट हो वो क्लियर हो गया होगा। एंड और भी कोई डाउट अगर रह गया तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, हम साथ में मिलकर सॉल्व करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।